बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अ वेरी वेरी एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम बेसल। मैं इस वक्त बेसल में मौजूद हूँ और सुबह सुबह का वक्त है, 6 बज रहे। सुबह मैं 4 बजे उठ गया था, लेकिन अभी हल्की सी धूप निकली है, क्योंकि इन इलाकों में जब तक धूप ना निकले आपका ट्रैवल करना बहुत मुश्किल काम है। बहरहाल अभी मैं इस वक्त पैकिंग करूँगा और हमारा आज का प्लान बहुत सिंपल है, हमें अस्तोर और अस्तोर से फिर आगे चिल्लम चौकी तक जाना है। जी जनाब, तो मून बेसर और सुबह सुबह का वक्त है, हम बेसर से निकल रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभानल्लज़ी सखर लना हाज़ा फ़मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि अलियुल अज़ीम, बिरहमतिका या अरहमुर रहीमीन। या परवरदिगार, हमारे आज के दिन में रहमतों और बरकतों को दाखिल फरमाना, और खुदा करे कि हमारा आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे, हमारा लास्ट डे बहुत 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 बेहतरीन गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह, और खुदा करे कि हमारे आने वाले दिन भी ऐसे ही खूबसूरत और बेहतरीन हो। तो आप मेरे सामने देख रहे हैं लूलूसर झील, इसके पहले दर्शन, और बिल्कुल आपको रिफ्लेक्शन ऐसे नज़र आ रहा है कि मतलब ये सुबह सुबह के टाइम पे आपको सिर्फ ये मंज़र मिलता है झील का, कि आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे बिल्कुल इसका रिफ्लेक्शन है, झील है ही नहीं। और क्या ही खूबसूरत झील है, और इतनी हाइट के ऊपर, रोड के ऊपर अगर आपको झील मिल जाए तो आप यकीन करें कि ये ब्लेसिंग है। वरना झीलों के लिए आपको पता है या ट्रैकिंग करनी पड़ती है या बहुत सख्त किस्म का जो ऑफ रोड है वो करना पड़ता है। जी जनाब, तो मैं इस वक्त गिडीदास में हूँ और आप मेरे पीछे व्यूज़ देखें, कितना खूबसूरत समा है। और मैं चाहते ना चाहते हुए अपने आप को यहाँ पे रुकने से नहीं रोक सका, और जहाँ पर भी आप देखेंगे ग्रीनरी है, और ग्रीनरी के साथ जो है वो बीच में दरिया भी बह रहा है, तो आप यकीन करें कि बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत है। हालाँकि मैं थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ, बट मैंने यहाँ पर फिर भी रुकने का फ़ैसला किया, बट वर्थ इट। देखें आप आसमान पे बादल देखें, कितने खूबसूरत हैं, और व्यू चेक करें। चलें जी, ज़िंदगी में पहली मरतबा हम बाबू सर टॉप की उतराई उतरेंगे, और ये वो पॉइंट है जहाँ से आगे लाइफ में मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ, और मैं भी आप में से बहुत सारे लोग भी यहाँ से आगे ना आए हों, तो देखते रहें। जो उतराइयाँ हैं ना, वो बड़ी ख़तरनाक हैं, और जगह जगह पर मेंशन किया हुआ है कि आप जो है वो हल्के गियर्स का इस्तेमाल करें, यानी कि भारी गियर का इस्तेमाल करें, यानी कि जो पहला दूसरा गियर है उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो उतराई है ये काफ़ी सख्त है और ये थोड़ी डेंजरस हो सकती है। आपकी गाड़ी, चाहे वो बाइक है या कार है, वो बेकाबू हो सकती है। तो इसको जो है यहाँ पर बड़ी एहतियात के साथ जो है यहाँ से गाड़ी को उतारना होता है। जो घर है ना, वो आप देख रहे होंगे कि बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से पहाड़ों के बीच में बने हुए हैं, और एक जगह पर तो मैंने देखा कि वो पत्थर के पहाड़ हैं और पत्थरों के बीच में उन्होंने घर बनाए। ये आप देख सकते हैं, बहुत यूनिक से और बड़े ही डिफरेंट स्टाइल में। ये देख रहे हैं आप सामने घर, ये सारे ना, इतना साफ़ पानी नहीं देखा, आप यकीन करें कि ये इतना क्रिस्टल क्लियर पानी है, इतना शफाफ पानी है कि आपको नीचे एक एक पत्थर, एक एक चीज़ जो है वो बड़ी क्लियर नज़र आ रही है। मेरे ख़्याल से ये हम चिल्लास में एंटर हो रहे हैं, जलखंड चिल्लास रोड N15 FWO AST20। अस्सलाम वालेकुम जी। सर ये मुझे अस्तोर की तरफ जाना है, सीधा रोड जा रहा। बहुत शुक्रिया।
ऐसे लग रहा है कि जैसे रेत है और सामने जो पहाड़, मतलब एक बिल्कुल डिफरेंट सा लैंडस्केप है। और सबसे अच्छी बात, रोड की कंडीशन जो है वो माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन है। तो हाँ, एक अच्छा डिफरेंट एक्सपीरियंस है, डिफरेंट रोड्स, डिफरेंट लैंडस्केप्स को देखना। देखें आप, मैं तो ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गर्मी की बात करूँ तो वो आप ना पूछें, गर्मी ऐसे ही है कि जैसे वाकई सहरा में चल रहा हूँ। और अगर आप व्यूज़ देखें और मेरे सामने हद निगाह जहाँ तक आपको नज़र आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि रेत ही रेत है, जैसे दरिया खुश्क हुआ हो और वो जो रेत नीचे होती है वो। तो ये देख लें आप जहाँ जहाँ तक, और जो पहाड़ हैं वो बिल्कुल खुश्क पत्थर की तरह, पत्थर के पहाड़ हैं, कोई ग्रीनरी नाम की चीज़ उसमें नहीं है। चलें जी, शुक्र है खुदा का कि सख्त चट्टानों वाले पहाड़ देखने के बाद कुछ ग्रीनरी जो है वो मिली। छोटा सा बच्चा था, प्यारा सा, हाथ हिला रहा था। चलें जी, एसकॉम की सिम मेरे पास थी लेकिन पैकेज मैंने करा लिया यहाँ से, क्योंकि घर वाले भी परेशान हो रहे होंगे कि कहाँ रह गया ये बंदा, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई रिप्लाई नहीं है। सो बस अब हम यहाँ से निकलेंगे। कोशिश हमारी ये है कि हमारा ब्रेक ना लगे। अस्तौर मोड़ जब आएगा तो अस्तौर मोड़ से आगे अंदर जाके किसी ठंडी सी जगह पर बैठ के वो खाना वाना खाएंगे। टाइम जो है वो दिन के तकरीबन मेरा ख्याल 12 के करीब हो रहे हैं, तो अभी जो है वो हमें टाइम को भी ज़ाया नहीं करना और डिस्टेंस को भी ट्रैवल करना। ये इलाका बहुत ज़्यादा गर्म है, साथ रहें, देखें किस पॉइंट पर रुकते हैं, किस पॉइंट पर खाना खाते हैं। ये वो एरिया जहाँ पर तकरीबन हमेशा ही लैंडस्लाइडिंग के इश्यूज़ होते हैं, और ये KKH लास्ट वाली जो रोड है ये बंद हो जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि रेत जो है ना वो बहुत ज़्यादा है रोड के ऊपर, तो बहुत एहतियात से चलना पड़ता है। ख़ास तौर पर बाइकर हज़रात को तो बहुत एहतियात से चलना पड़ता है। अभी मैं एक रेत के टीले पे, सामने से ट्रक आ गया तो मैं उसको अपने आप को सेफ करते करते उस टीले पे चढ़ गया, और वो उसने इतना बुरा मुझे स्लिप किया कि मैं गिरा हूँ, और वो जो मेरा एक साइड बॉक्स है उसका नट शट भी गिर गया। खैर वो तो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े थे, मैं लेकर आया था। तो कहने का मकसद ये है कि जब यहाँ पर आएँ, चाहे आपके पास गाड़ी है चाहे आपके पास बाइक है, दोनों सूरतों में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें, क्योंकि ये रोड इतना कारपेट है ना बैक पीछे से कि आप गोली की स्पीड में आते हैं, और फिर अचानक आपको पता चलता है कि इस तरह का रोड है, तो आप चूँकि वो आदि हो चुके होते हैं उस स्पीड के, तो आप जो है ना वो थोड़ा सा ध्यान नहीं करते, तो जिसकी वजह से नुकसान जो है वो हो सकता है। अब मैं इसको क्रॉस इसलिए नहीं करूँगा, ये सामने मेरे ट्रक है कि साइडों पे रेत पड़ी है और मैं ऑलरेडी स्लिप हो चुका हूँ, तो इसलिए जब मुझे मुकम्मल क्लैरिटी मिलेगी कि रोड ठीक है तब मैं निकलूँगा। जी रोड ठीक है, रेत नहीं है उस तरह से, मैं निकल सकता हूँ। पत्थर का मसला नहीं होता, रेत तो आपके बाइक को बुरी तरह से स्लिप करती है। भाई साहब कह रहे हैं कि 4 किलोमीटर रह गए, लेकिन ये चिल्लास का इलाका यकीन करें बहुत सख्त गर्मी है। रोड ऐसा है ना कि जब आप रोड पे चलते हैं ना तो ये राइडिंग सूट के बगैर नहीं चल सकते, अचानक रेत आएगी कुछ आएगा तो आपका बाइक स्लिप हो सकता है, आप गिर सकते हैं, तो ये सेफ्टी भी ज़रूरी है। बट अल्लाह करे 4 किलोमीटर ही हो।
ये देखें जी, एक मशहूर है ज़माना, ये आप गिलगित और अस्तोर के लिए आपको राइट होना है। वेलकम टू अस्तोर वैली अलाइड बैंक। अस्तोर यहाँ से जी 44 किलोमीटर्स, रामा 54, चिल्लम 108। तो हमने जनाब 108 किलोमीटर्स और ये हम वेलकम टू अस्तोर वाले रोड के ऊपर आ गए। तो जनाब खुदा खुदा करके कुफर टूटा और वो रोड जो है ख़त्म हुआ। बट हम इस वक्त अस्तोर रोड के ऊपर हैं, बट अभी तक तो हालात वैसे ही हैं। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही इंशाल्लाह जो है वो सीनरी तब्दील होगी। आप भी मुझे पता है बोर हो रहे होंगे, बट मैं चाहता हूँ कि जो सफ़र हम कर रहे हैं वो आप भी करें हमारे साथ साथ, और आपको एक्चुअल में अंदाज़ा हो कि हम आपको सिर्फ और सिर्फ वो कंटेंट ना दिखाएं जो बहुत ही अच्छा ही अच्छा है। तो उस रास्ते की जो मुश्किलात हैं या उस रास्ते में जो एक्चुअल फील है वो भी आपके साथ शेयर करें। आई नो कि व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाता है, बट आपके सामने ट्रू पिक्चर को लेकर आना भी बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगी और आप ट्रिप प्लान करेंगे और आप फिर गालियाँ देंगे कि यार आपका व्लॉग देखकर आए थे, आपने तो ये चीज़ें दिखाई थी और बीच में इतना कुछ था वो आपने बताया ही नहीं, तो इस वजह से व्लॉग थोड़ा सा लंबा ज़रूर होता है मेरा, बट मेरी कोशिश होती है कि उसमें ट्रू पिक्चर प्रेजेंट की जाए। यार यकीन करें ये पहाड़ तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, और मेरी हंस हो गई है यार कसम से, कब ये ख़त्म होंगे कब। खूबसूरत अस्तोर जो आम व्लॉगर्स की वीडियोस में देखते हैं वो आएगा। अब अगर मैं भी ये सारी वीडियोस, ये सारे क्लिप्स स्किप करके आपको अस्तोर की खूबसूरती दिखाऊंगा तो आप तो सोच के आएंगे फिर मुझे गालियाँ निकालेंगे कि यार अच्छी अच्छी चीज़ें जो है दिखाते हैं और जो इस तरह की चीज़ें हैं वो नहीं दिखाते। और अगर इस तरह की चीज़ें दिखाएं तो व्लॉग लंबा हो जाता है। लंबा होता तो कहते हैं यार इतना लंबा व्लॉग क्यों बनाते हो, शॉर्ट रखा करो भाई। किधर जाएं हम यार, बताएं तो सही आप। सर यकीन करें लिटरली मेरी तो बस हो गई है। चिल्लास का जो ट्रैक है वो आपके सामने इंतहाई, मतलब लैंडस्केप डिफरेंट है नो डाउट, बट उसके अंदर बहुत सारा, मतलब इतनी शदीद गर्मी है कि आप तंग हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जब आप अस्तोर मोड़ जो है वहाँ से आप अस्तोर की तरफ आते हैं तो वो वहाँ से भी कोई, मैं कोई मेरा ख्याल 15-20-25 किलोमीटर तो चल लिया, लेकिन अभी तक हालात जो है वो जूँ के तू ही हैं। और अब मैं क्या कह सकता हूँ, इस व्लॉग के अंदर मैं अस्तोर को शामिल नहीं करना चाह रहा, वरना आप कहेंगे कि क्या वो एक गंदा सा पैच और फिर उसके बाद जो है वो बिल्कुल ही एक खूबसूरती और वो सब कुछ। तो चाय नहीं पीऊँगा मैं, नहीं नहीं चाय नहीं, मैंने पराठा और अंडा मंगवाया। आपका क्या नाम है? मोइन। इधर आओ ना बैठो। ये मैं, ये मोइन भाई हैं और ये स्टूडेंट है। और इस जगह का क्या नाम है? दशकिन जो है वो एक विलेज है अस्तोर का। और अब यहाँ से मुझे बताओ कि, अच्छा पहले मैं आपको बता दूँ ये स्टूडेंट है और ये यहाँ पे कैफ़े चलाता है। मैं यहाँ से गुजर रहा था, कुछ बाइकर्स हजरात थे, उन्होंने मुझे रोक के कहा कि इनकी चाय बहुत अच्छी है। ऐसा ही इनकी चाय बहुत अच्छी है। इस जगह का नाम है दशकिन, अगर आप यहाँ पर रुकें तो आप इनकी चाय लाजमी ट्राई करें। और अंडा पराठा, मेरे नाम
कैफे का नाम चश्मा कैफे। चश्मा कैफे जो है वो कैफे का नाम है। और मुझे ये बताओ कि अब यहाँ से अस्तोर विलेज कितनी दूर है? 23 किलोमीटर। 23 किलोमीटर है जी जी। और रोड ऐसा ही है, अभी तक तो बड़ा ख़राब रोड आ रहा है, आगे भी ऐसा ही है? नहीं, आगे बहुत अच्छा रोड है। अच्छा रोड है जी। कहाँ से शुरू हो गया? अच्छा, हम तो तरस गए आज। ये फर्स्ट ये पॉइंट है, यहाँ से रोड आगे अच्छा है। यहाँ से अच्छा जी जी। अच्छा रोड अच्छा है। और चिलम जाने में हमें कितना टाइम लगेगा? अस्तोर से चिलम तक 52 किलोमीटर। 52? और वो कितनी देर में होता है? वो भी रोड ऐसा है या साफ है? साफ है। साफ है, साफ है। यानी 3-4 घंटे लग जाएंगे? 3-4 नहीं लगेंगे, 52 किलोमीटर है तो समझ लो यहाँ से वो तक, यहाँ से मुख्य गेट तक अस्तोर तक 23 है तो इसका डबल हो जाएगा ना, तो तकरीबन 1 घंटा आधा घंटा। अच्छा, इनका घंटा हमारे 2 घंटे के बराबर ही है। तो आप देखते हैं। बहरहाल हम चाय तो नहीं पीते, पर अंडा पराठा है ये खाते हैं, क्योंकि सुबह का नाश्ता नहीं किया और 4:30 बज गए और मैं मुसलसल चल रहा हूँ। और अब हिम्मत जवाब दे गई है और असल जो है वो गर्मी ने काम ख़राब किया। बहुत शुक्रिया। चेक करें जी, रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है तो साड़ी मत मारी गई है। या अल्लाह खैर। चल भाई, शुक्र है जी साइड से निकल आए हैं किसी तरह। अस्सलाम वालेकुम, ये अस्तोर है? हाँ, बाजार चिल्लम चौकी का रास्ता यही है? हाँ, इसी सीधा। हाँ, रोड कितना आगे ख़राब है? चौक से सीधे आगे जाओ, सीधे आगे जाओ बस। रोड कैसा है आगे? इसी तरह का रोड है? हाँ, ख़राब ही है मतलब। मेहरबानी। ये अस्तोर बाज़ार है जी, आप देख लें अस्तोर बाज़ार। और बाज़ार का जो रोड है उसकी भी कंडीशन देख लें। रोड मुझे नहीं लगता कि कहीं भी ठीक हो। ये जनाब गोरीकोट का PSO पंप है और इस पंप के बाद आपको आगे चिल्लम चौकी देवसाई स्कर्दू तक कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। हाँ, चिल्लम में आपको खुला हुआ पेट्रोल ज़रूर मिलेगा, बट वो एक्सपेंसिव भी होता है और मैं उसको सही भी नहीं समझता, मिलावट होती है उसमें इस तरह से कुछ। तो अगर आप आ रहे हैं इसकी तरफ अस्तोर चिल्लम चौकी मिनीमर की तरफ आ रहे हैं, चिल्लम चौकी तक आना है, तो यहाँ से अपने एक एक दफ़ा टैंक फुल करा लें ताकि आप मिनीमर भी घूमें और फिर आप वापस स्कर्दू भी जाएं तो आपको पेट्रोल की एटलीस्ट कोई टेंशन ना हो। सर, जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि पानी का कलर बदल गया।
माशाल्लाह ज़बरदस्त। चलो कुछ ना कुछ सुकून होने लग गया। माशाल्लाह जी ये खूबसूरत, मैंने आपको जैसे कहा कि दरिया का जो कलर है उसका पानी भी बहुत खूबसूरत हो गया, और रोड बस 19-20 ही है, रोड की आप बात ना करें बस। ये देखें, दो कदम सही आते हैं फिर 10 कदम जो है वो ऐसे ही रहते हैं, और लोग कहते हैं ओ जी बहुत कारपेट रोड है जी, आगे हाईवे, आपका दिल खुश हो जाएगा। मेरा दिल बहुत खुश हो गया। जी जनाब, तो मैं इस वक्त चिल्लम चौकी में मौजूद नहीं हूँ। असल में बहुत अंधेरा हो गया था, मगरिब की अज़ान हो चुकी थी, तो मैंने आगे जाने मुनासिब नहीं समझा, और कुछ बाइकर्स हज़रात मेरे साथ आ गए, और जब उनके साथ गपशप हुई तो उन्होंने यहाँ रुकने का फ़ैसला किया, और उन्होंने मुझे भी इंसिस्ट किया कि आप भी यहीं रुक जाएँ, तो मैं यहीं पर रुक गया हूँ। ये तकरीबन चिल्लम चौकी से 12 किलोमीटर पहले है, और इस होटल का जो नाम है वो है ग्रीन व्यू होटल,
और ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बाइक्स, मेरी भी बाइक खड़ी हुई है और बाकी भी जो दो तीन चार बाइक्स हैं वो बाकी लोगों की खड़ी। तो आप सिंपल सा ये है कि हमने कमरा लिया, हम यहाँ पे रात गुजारेंगे और सुबह हमारा प्लान है कि हम 7 बजे अर्ली मॉर्निंग चिलम चौकी जाएंगे और फिर मिनी मार्ग में एंट्री मारेंगे और पूरा दिन मिनी मार्ग में गुजारेंगे एंड देन वापस आएंगे चिलम चौकी। इस वक्त हमने खाना ऑर्डर किया, भूख बहुत ज़ोरों की लगी हुई है, खाना खाएंगे और मैं आपको इंट्रोड्यूस भी कराता हूँ कुछ बाइकर्स हजरात से जो मुझे मिले हैं। तो चलें, तो ये इनका एक छोटा सा किचन है, यहाँ पर खाना वाना ये बना रहे हैं। तो ये हमारे साथ कुछ दोस्त हैं, ये दोनों पिंडी से, पिंडी बॉयज़ हैं और ये फैसलाबाद से हैं, ठीक है। तो ये अभी हमने यहीं पे कमरा वगैरह लिया और हम यहाँ पे आज रात रुकेंगे और सुबह अर्ली मॉर्निंग इंशाल्लाह 7 बजे हमारा प्रोग्राम है कि हम चिलम चौकी की तरफ निकलेंगे। सो आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, अपना बहुत सा ख्याल रखें, नेक्स्ट किसी ब्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी।